हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रहा है और आज बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही चुका होगा कि आज क्या ब्लॉग होने वाला है। फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आज हम लोग का आरटीयू में फ्रेशर हो रहा है, तो वो दिखाने वाला है कि आज फ्रेशर कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है यार, कैसे हो रहे, वैसे हो रहे, मुझे कुछ पता नहीं। तो मुझे वहाँ पे जस्ट जाके इंजॉय कर रहे हैं बस। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गया एक्सरसाइज नहीं किया। तो ये मैंने लिया स्किपिंग रोप, तो चलो स्किपिंग करने चलते हैं। पैर में लगी 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 लगी, तो अभी मैं डबल करूंगा। बहुत दिन के बाद कर रहे हैं ना, तो स्टेमिना नहीं रहा और अब मैं फ्री स्टाइल करूंगा। अचानक से हमको एक नोटिस मिला है, नोटिस नहीं यार, हम लोग डिसाइड करके दिमासा यूनियन एसोसिएशन से डिसाइड करके मैं और ईशा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और मैं ट्रेजरर आरटीयू में ट्राइब को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो पता नहीं क्या होने वाला है, तो चलो रिप्रेजेंट करने जाते हैं। अभी मैं इस वक्त थोड़ा बहुत पासाली से थोड़ा बहुत आगे आ चुका है और अभी तक हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट आया नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा देर रुकना होगा उसका और थोड़ा इंतज़ार करने के बाद वो आएंगी, उसके बाद आरटीयू के लिए निकल जाएंगे। मुझे लगता है थोड़ा बहुत लेट हो ही चुका है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। आधा घंटा जैसे वेट करने के बाद फाइनली पहुँच गया है। आधा घंटा वेट करने के बाद देखो पाँच मिनट नहीं, आधा घंटा वेट करने के बाद आया है। तो अभी पुलिस में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ कि नहीं वो तो पता नहीं, जाके पता चला। चलो ये दीदी किसे चला रहे हैं, एंड फाइनली हम अब अपने प्यारा सा आरटीयू में पहुंच चुका है। चलो जाके देखते हैं कि प्रोग्राम शुरू हुआ है कि नहीं। यार फालतू में डर डर के जी रहा, प्रोग्राम तो अभी तक शुरू हुआ ही नहीं है। यार आज बहुत ही बुरा फीलिंग हुआ है। हमारे यूनियन मेंबर और कार्बी यूनियन मेंबर और बहुत सारे यूनियन मेंबर को इनवाइट तो किया, लेकिन रिसीव करने के लिए कोई आया नहीं। अगर रिसीव करना ही नहीं था तो इन्वाइट क्यों किया। A few minutes later.
फाइनली विनर रिजल्ट निकल चुका है और द विनर इज 10 नंबर। एंड एंड फाइनली मैं अपना रूम में पहुंच ही चुका है। आशा करता हूं कि कभी किसी के साथ ऐसे ना हो। रुको बताते हैं हम किसके बारे में बोल रहे हैं। पहले ड्रेस चेंज कर रहे थे, ओके साथ बंद रहे। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि वो इनविटेशन के बारे में था। तो हम लोग को ऐसे इनवाइटेड गेस्ट इनवाइट किया पर रिसीव करने के लिए कोई आया नहीं और हम लोग कल्चरल ड्रेस में मुआफर लेके गया। तो इनवाइट करने के लिए रिसीव करने के लिए कोई आया नहीं तो इनवाइट क्यों किया और इनवाइट हमने देखा आगे में। चलो ऐसा बात है, चलो फ़ायदा नहीं है। हमको पता है कि मैनेजमेंट करने में कितना डिफ़िकल्ट होता है, कितना मुश्किल होता है। फिर भी अगर इनवाइट किया ही है तो रिसीव तो करना था, लेकिन किया नहीं है। आप क्या ही बोले, मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो चलो होता है कभी कभी, बड़ा बड़ा शहर में ये सब छोटे छोटे बाटे होते रहते हैं। जस्ट वैसे ही बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में ऐसे छोटा छोटा बाटे होते रहते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो इसके साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।